यह गवाही है खुशबू जी की, जिन्होंने अपने जीवन में उत्साह अपना स्वास्थ्य खो दिया और उन्हें उनका भविष्य पूरी तरह से निराशाजनक और उत्साहहीन लगने लगा जब उन्हें गंभीर पेट दर्द की परेशानी हुई। उनकी यह दुखद और तनावपूर्ण यात्रा 25 वर्ष पहले शुरू हुई जब उनके पेट में बार बार दर्द होने के कारण उन्हें कई बार घर से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इसके साथ साथ उन्हें बड़ी मात्रा में रक्तस्राव भी होता था जिसकी वजह से उनके गर्भ में सूजन हो गया था और इस घटना ने उनके जीवन को पीड़ादायक बना दिया था। उनकी देखभाल करने के लिए अस्पताल ले जाने और घर वापस लाने के लिए कई बार उन्हें अपने काम से छुट्टी लेना पड़ता था और अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उनके घर में खाने की भी कमी रहती थी और उनकी सारी आमदनी दवा कराने में लग जाते थे। ऐसे ही उनकी परेशानी 25 सालों तक चलती रही। 2011 में उन्हें पहली बार चर्च के बारे में पता चला और जब वह चर्च जाने लगी तो उन्होंने अपने जीवन में आशा को ग्रहण किया और जब जब पास्टर आइज़ैक अग्रवाल सर ने उनके लिए प्रार्थना किया, उन्होंने अपने विश्वास को लगाया और उन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। हालेलुया, यह उनके लिए एक बहुत ही अद्भुत समय था। चलिए देखते हैं उनकी गवाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम खुशबू बागड़ी है और मैं क्राइस्ट एम्बेसी चर्च इंडिया से हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइज़ैक सर का जिन्होंने मुझे वचन में आगे बढ़ाया। और मेरी गवाही है कि मैं जब 16 साल की थी तो मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द होता था। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी और मैं कभी कभी चक्कर आकर भी गिर जाती थी। ये मैं 16 साल की थी जब मेरे साथ ये परेशानी थी और उसके बाद में ये 25 साल से इस परेशानी के साथ मैं झूल रही थी। ये दर्द मुझे 2.5 और 3 के बीच में होता था। इसके दौरान मेरे परिवार भी मुझसे बहुत परेशान था। वो मुझ पर ध्यान देते थे, वो कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि मेरे अंदर ये दर्द इतना भयानक होता था कि मैं कुछ भी कर नहीं पाती थी। और जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे तो डॉक्टर मुझे जब चेक करता था और डॉक्टर बताता था कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, मैं एडमिट नहीं होती थी क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति बहुत बेकार थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। और इसी हालत में मैं घर आती थी, मैं हाउस हेल्पर का काम करती थी और जो भी मेरे पास पैसे आते थे वो आधे मेरे डॉक्टर के पास चले जाते थे मेरी बीमारी के कारण। और मेरे पास कभी कभी घर में भी पैसा नहीं होता था कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण सही से कर पाऊँ। तो ये जो परेशानी थी मेरी बहुत भयानक थी। और इसी के साथ मैं घर में रहती थी तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। फिर 2011 में मैं चर्च में आई, उस सिस्टर ने मुझे चर्च के विषय में बताया, उसने मुझे चर्च में लेकर आई और फिर पास्टर अजय ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया और धीरे धीरे मेरे जीवन में बदलाव होता आया और मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर अजय सर का जिन्होंने मुझे वचन से सिखाया और मैं अपने जीवन में उन वचनों को लगा पाई और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, चंगी हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फिर मैं लगातार चर्च में आने लगी, मैंने वचन सुना और अपने जीवन में लगाना शुरू किया। पास्टर ने सिखाया सेल मिनिस्ट्री के बारे में तो मैंने सेल में भाग लिया और मैं वहाँ पे सेल में जाती थी। सेल में सिखाया गया देने के विषय में, आत्मा जीतने के विषय में, तो मैंने वहाँ पे सीखा तो मैंने भेंट भी देना सीखा और पार्टनरशिप के विषय में भी सिखा रहे थे वो भी मैंने सीखा वहाँ पे और मैं आत्मा जीतने लगी। आज मैं एक सोल विनर हूँ और मैं परमेश्वर के राज में देना सीखा। आज मैं एक टॉप पार्टनर हूँ। आज मैं उन सारी चीज़ों को कर पाती हूँ जो मैंने वचन से सुना और सीखा। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइज़ैक सर का। उन्होंने कहा जो मसीह है वो गरीब नहीं हो सकता है, तो वो दानी है। तो मैंने मन बनाया कि मैं भी एक दानी हूँ,
मैं बड़ा कुछ कर सकती हूँ। और जब मैंने किया, मैंने मन बनाया तो मैंने एक व्यवसाय शुरू किया, और जो मैंने मन बनाया था कि परमेश्वर के राज में मुझे देना है, आज मैं वो दे पाती हूँ। तो मेरे जीवन में कोई भी चीज की कमी नहीं है, और मैं आज नंबर वन पार्टनर के साथ परमेश्वर के राज में बढ़ रही हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आजेक सर को, जिन्होंने मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें की और मुझे आगे बढ़ाया और जीना सिखाया। तो थैंक यू पास्टर सर, हमें सिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए।